हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संजू किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल गोली इडली नाश्ता, और इसके साथ एक स्वादिष्ट चटनी भी बनाएंगे। तो दोनों रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो बहुत बहुत ही टेस्टी है। तो आइए शुरू करते हैं। गोली इडली बनाने के लिए सबसे पहले पैन या कढ़ाई एक लेंगे। यहाँ पर मैं छोटी सी एक कढ़ाई ली हूँ, गैस पे रख दी हूँ। अब इसमें डालेंगे एक कप पानी, एक या डेढ़ कप डाल सकते हैं, जितना आपको चावल के आटा डालना है उतना ही आपको पानी डालना है। तो एक कप यहाँ पर पानी डाल दिया है। तो जैसे ही पानी हमारा गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसमें डालेंगे एक चम्मच घी या तेल डाल देंगे। मैं यहाँ पर एक चम्मच घी डाल रही हूँ। घी डालने से हमारा गोली इडली बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और नमक और घी को पानी में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी में हल्का उबाल आने लगा है। तो गैस को फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर देंगे और नमक भी हमारा मेल्ट हो गया है, घुल गया है पानी के साथ। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल के आटा। जिस कप से मैं पानी डाली हूँ उसी कप से ये एक से डेढ़ कप चावल के आटा है। तो चावल के आटे को इसमें डालेंगे और पानी के साथ चावल के आटे को मिक्स करेंगे। गैस को बंद कर देंगे। जैसे हल्का ड्राई होने लगेगा चावल के आटा हमारा, तो गैस को बंद कर देंगे और चावल को आटा को अच्छे से मिक्स करेंगे पानी के साथ। तो आप देख सकते हैं चावल के आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब इसको फटाफट से ढक देंगे ताकि चावल के आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल के आटा हमारा अच्छे से पानी में मिक्स हो गया है। तब इसको फटाफट से हम इसे ढक देंगे। तो इसे 5 मिनट के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा ठंडा हो जाए। तो चावल का आटा हमारा सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए गोली इडली को स्टीम करने के लिए। तो यहाँ पर मैं राइस कुकर में स्टीम करने वाली हूँ। तो इसमें पानी ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ी सी नींबू की स्लाइस। इससे क्या होता है कि जो बर्तन हो हमारा जो है सफेद पड़ जाता है, खराब हो जाता है पानी उबलता है तो इससे बर्तन हमारा खराब नहीं होगा। तो ये डाल देंगे। तो यहाँ पर राइस कुकर चालू कर देते हैं पानी गर्म होने के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं राइस कुकर हमारा चालू हो गया है, पानी इसमें गर्म हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चावल का आटा हमारा ठंडा हो गया है। तो पूरी तरह से इसे हमें ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म में ही इसे हमें मसल मसल करके इसे काम करना शुरू करना है। तो ये भी हल्का गर्म है, पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। तो हम इसे एक कोई बर्तन में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लिया है, इसी में आटे को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, आके अभी काफी गर्म है हमारा चावल का आटा, तो हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और हाथों में पानी लगा करके आटे को मसल मसल करके इसको इससे आटा लगाएंगे ताकि काफी सॉफ्ट हो जाए। तो आप देख सकते हैं आटा लगा लिया है, बहुत ही सॉफ्ट आटा हमारा लगा है। तो अब हम हाथों में थोड़ा सा तेल या ऑयल भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी आटे में से चावल के आटे में से निकालेंगे। आप जितना छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं वैसा बॉल बना सकते हैं। ऐसे हाथों पे थैली पे इसे घुमाते हुए हम इसे चिकना बॉल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना चिकना हमारा बॉल बना है, कहीं से क्रैक्स नहीं है क्योंकि आटा हमारा सॉफ्ट लगा है। तो इसी बॉल बना बना करके हम इसमें रखेंगे, इसी में हमें स्टीम करना है, इसीलिए इसी में मैं रखते जाऊंगी। तो एक गोली में और बना के दिखा देती हूँ आपको। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से आटे में से ले सकते हैं। और ऐसे हथेली पे रख करके हम ऐसे घुमाते हुए गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कहीं से क्रैक्स वगैरह नहीं दिख रहा है, ऐसी सारे गोली हम बना लेंगे। तो ये लीजिए हमारा बहुत अच्छा गोली इडली बनकर तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल गोली के जैसा गोली इडली हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए अभी इसे स्टीम कर लेते हैं। यहाँ हमारा पानी भी उबल रहा है, तब इसमें गोली इडली को डाल देंगे और इसे कवर करेंगे। तो यहाँ राइस कुकर में स्टीम होने के लिए गोली इडली को रख दिया है। तो इसमें 10 मिनट के लिए, 10 मिनट में हमारा गोली इडली स्टीम होकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ मैं राइस कुकर में स्टीम कर रही हूँ, तो इसीलिए 10 मिनट में हमारा स्टीम होकर गोली इडली तैयार हो जाएगा। अगर आप गैस पे कर रहे हो, कढ़ाई या पतीले में स्टीम कर रहे हो, तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएगा गोली इडली को स्टीम करने में। अगर आप गैस पे कर रहे हो तो 15 से 20 मिनट लगेगा आपको स्टीम होने में लो फ्लेम पे। इधर गोली इडली हमारा स्टीम हो रहा है, तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए गैस पर एक पैन या कढ़ाई रखेंगे, इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देंगे। तो जैसे ही तेल हमारा गर्म होगा, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चना दाल। तो ये चना दाल हमारा कच्चा चना दाल है, इसे भिंगो कर नहीं रखा था।
बिल्कुल कच्चा है। और इसी में डालेंगे एक चम्मच उड़द दाल। तो दोनों दालों को मिक्स कर लेंगे और दोनों दालों को मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंडों के लिए हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ सेकंड हम दोनों दालों को पका लिया है। तो अब इसमें डालेंगे दो चम्मच सफेद तिल। अब ये तीनों चीजों को अच्छे से भून लेंगे कुछ सेकंडों के लिए। तो आप देख सकते हैं दोनों दाल और तिल हमारा अच्छे से भून गया है, हल्का इसमें लाल भी आ गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज। तो इसे थोड़ा मोटा नहीं काट लिया है, तो प्याज को थोड़ा मोटा ही काट लिया है क्योंकि प्याज जल्दी गल जाएगा। और इसी के साथ हम डालेंगे 4 से 5 लहसुन के कलियां। और इसी के साथ डालेंगे 1 इंच अदरक, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो सारे चीजों को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। हमें इसे प्याज लहसुन अदरक जो है इसे ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो गैस को हम मीडियम ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं हल्का सॉफ्ट हो गया है प्याज अदरक लहसुन हमारा। तो इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, इसे ब्राउन नहीं करना है। तब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो इसी के साथ इसमें हम इमली भी ऐड करेंगे। इमली से बहुत अच्छा चटनी का स्वाद आता है। तो अगर आपके पास इमली नहीं है तो इसके जगह पे आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं लास्ट में। और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी सॉफ्ट हो गया। तो सारे चीजों को मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। तो 1 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और सारे चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो काफी सॉफ्ट हो गया है टमाटर हमारा। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ। इससे तीखा ज़्यादा नहीं होता है, तो तीखी चटनी हमारी तीखी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो मिर्च पाउडर डाले तो आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च डालने से कितना अच्छा इसका कलर आ गया। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा। थोड़ा पानी डालने के बाद फिर से हम इसे कवर कर देंगे। इसे फिर से कवर करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट बाद चटनी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट बाद सारी चीजें हमारा अच्छे से पक गया है, चटनी हमारा रेडी है। मिक्स कर लेंगे सारे चीज़ों को। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो आप देख सकते हैं चटनी का कलर कितना टेस्टी दिख रहा है। तो गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। सारे चीज़ें ठंडा होने के बाद एक मिक्सर जार में डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका ग्राइंड कर लेंगे, इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए चटनी को पीस लिया है, बहुत ही टेस्टी हमारा चटनी बनकर तैयार है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं पर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। इसके लिए एक बाउल में डाल लेते हैं। तड़का लगाने के लिए तड़का पैन को गर्म कर लेंगे। उसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच राई या सरसों।
आधा छोटा चम्मच डालेंगे चना दाल कच्चा, आधा छोटा चम्मच उड़द दाल, थोड़ा सा तेल में दाल को भून जाने देंगे, अच्छे से दाल जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए। तो थोड़ा सा दाल को भून लेंगे तेल में ऐसे मिक्स करते हुए। तो देख सकते हैं दाल जो है हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है तेल में, हल्का ब्राउन कलर आ गया है उसका। तो अब गैस को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, चार से पांच इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और एक से दो सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब चटनी के ऊपर तड़का डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा चटनी बनकर तैयार हुआ है। तो ये साउथ इंडियन तड़का हमने इसमें चटनी में लगाया है, बहुत ही टेस्टी हमारा चटनी बनकर तैयार हुआ है। तो आप इसे इडली डोसा किसी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये चटनी। तो आप इसे दो तीन दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी करके रख सकते हैं, दो तीन दिन में ये चटनी खराब नहीं होगा। तो चटनी हमारा तैयार है, तो चलिए अब गोली इडली को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोली इडली हमारा बनकर तैयार है, बहुत अच्छा स्टीम हो गया है। तो अब इसमें से निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्टीम हुआ है हमारा गोली इडली, तभी से निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए गोली इडली हमारा बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल गोल गोली के जैसे गोली इडली हमारा बनकर तैयार हुआ है। अब ये काफी गर्म है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट बना है। आप ऐसे देख सकते हैं इसे दबा करके, बहुत ही स्पंजी बना है, देख सकते हैं कैसे स्पंज कर रहा है ये। इस गोली इडली को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें तड़का लगाएंगे, तो चलिए तड़का लगा लेते हैं। तो गोली इडली को तड़का लगाने के लिए यहाँ पर एक पैन गरम करेंगे, इसमें डालेंगे एक से दो चम्मच के करीब तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। तो तेल हमारा गरम हो गया है, तब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई यानी सरसों, आधा छोटा चम्मच डालेंगे चना दाल, आधा छोटा चम्मच डालेंगे उड़द दाल, एक चम्मच के करीब डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक, दो बारीक कटा हुआ हरा मिर्च मिक्स कर लेंगे। अब इसी में डालेंगे 10 से 12 कड़ी पत्ता, और इसी में डालेंगे साबुत एक से दो सूखी मिर्च, बस मिक्स कर देंगे। तो सिंपल सा गोली इडली का तड़का हमारा तैयार है। अब इसमें अपना गोली इडली डाल देंगे, तो गोली इडली को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तड़के के साथ, तो तड़के का फ्लेवर गोली इडली में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे, एक से दो मिनट के लिए हम इसे कवर करके पका लेंगे। तो एक मिनट बाद फिर से गोली इडली को अपना चेक कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये लीजिए गोली इडली तड़के वाला हमारा तैयार है, चलिए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए सिंपल सा गोली इडली नाश्ता हमारा बनकर तैयार है, मात्र एक चम्मच तेल में ये बनकर नाश्ता तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये गोली इडली आपको कितना टेस्टी दिख रहा है। सबसे अच्छी बात ये है इसमें कि आपको खाने से ज़्यादा इसे देखने का मन करेगा, बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में बहुत ही अच्छी दिख रहा है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करें, आपके घर बड़े बच्चे सभी को ये गोली इडली नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।